उनकी सेवा करते थे। उस महिला को मैं बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि हम काफी बार मिलते थे प्रार्थनाओं में, वे काफी बार हमें नेता देती थी उनके घर पर खाना खाने के लिए, प्रभु के बारे में बातें करने के लिए। और वो मेरा बस नया समय था जहां पर हम बस अपनी सेवकाई को हमने शुरू किया था। और ये जो लोग थे ये बहुत अनुभवी लोग थे, लेकिन किसी कारणवश ये बीमार पड़ गई थी। और बीमार पड़ने कुछ समय के बाद ये महिला गुजर जाती है, प्रभु के पास चली जाती है अपनी बीमारी अवस्था में। तो उनकी जो सेवा तार करते थे वे लोग कुछ समय के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये विश्वास में इतना मजबूत थी, ये एक अद्भुत प्रचारक थी, काफी सारे जगहों पर ये जाकर प्रार्थना करती थी, ये मध्यस्थी में अगुवाई करने वाली महिला थी, प्रभु के बारे में बहुत अच्छी बातें इन्हें पता थी, लेकिन देखो ये बीमारी में मर गई। हम कैसे अपना जीवन आगे चला पाएंगे? हम तो प्रभु के बारे में इतना जानते नहीं है। वो जितना विश्वास करती है उतना विश्वास हमारे अंदर नहीं है। अगर शत्रु उनके जीवन में बीमारी लेकर आ सकता है और मौत लेकर आ सकता है तो वो कहती कि मैं तो कोई भी नहीं हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी तुलना लोगों के साथ में करते हैं। अगर उनके साथ ये हो सकता है तो मेरे भी साथ ये हो सकता है, अगर उनके साथ ये हो सकता है तो शत्रु मेरे जीवन में भी हमला कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अपनी तुलना आप मनुष्य के साथ में मत करिए। अगर आपको अपनी तुलना करना है तो आप परमेश्वर के वचनों के पास जाइए और देखिए परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहना चाहता है। अगर आप काफी समय से बीमार है तो परमेश्वर का वचन आपकी बीमारी के बारे में क्या कहता है, उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब आप देखते हैं कहीं भी जहां खास करके यीशु की वादों को कि यीशु मसीह बीमारी के बारे में क्या बात करता है, एक वचन कहता है, पत्रस उन वचनों को वो पुराने नियम से उठाता है और वो कहता है कि उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। अगर आप बीमार है, अपनी बीमारी के अवस्था में आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को थामना है। अगर आप आपकी कोई भी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, आप चाहे कितने भी पुराने बीमारी से क्यों ना गुजरते हो, आप चाहे आपकी पीढ़ी पीढ़ी के बीमारी से क्यों ना गुजरते हो, डॉक्टर ने कहा होगा तो ये आपकी पीढ़ी पीढ़ी से आने वाली जो बीमारी है ये आप तक पहुंच गई है, चाहे किसी भी प्रकार का रिपोर्ट क्यों ना, उस रिपोर्ट को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आपके पास परमेश्वर का वादा है।